साथियों, आज सुबह तीन बच्चों जो प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे थे दिल्ली में आकर, दूर दूर से हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ने आते हैं, तैयारी करने आते हैं। आज तीन बच्चों की बेसमेंट में पानी घुसने से मौत हो गई। ये सुनकर, और वो भी देश की राजधानी के बारे में सुनकर, बहुत ही बुरा लगता है, अजीब लगता है, शर्म आती है। ये इस राजधानी में लोग आते हैं अपने सपने पूरे करने, वहां आकर बच्चों की जान चली जाए, वो भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से। बिल्डिंग्स बनाई गई, उनको लाइसेंस दिया है या नहीं दिया, एमसीडी का क्या इसमें रोल है, सरकार का क्या रोल है, ये सब सवाल हम सबके दिमाग में हैं। ये कोई नेचुरल डिजास्टर से मौत नहीं हुई है, ये मौतें मानव निर्मित त्रासदी हैं, दिस इज अ मैन मेड डिजास्टर। ये कौन है इसके पीछे, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, और इस तरह की घटनाएं फिर ना हो। अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। माता पिता दूर दूर से, देश के कोने कोने से लोगों बच्चों को यहां भेजते हैं, दिल्ली में भेजते हैं, ताकि तैयारी करें, प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग लें और जिंदगी को में आगे बढ़ें। उनकी जिंदगी यूं बीच में खत्म हो जाए, वो भी इसलिए कि एक गैर जिम्मेदाराना एमसीडी है, एक गैर जिम्मेदाराना सरकार है, ये अच्छी बात नहीं है, हृदय विदारक है, और सरकार को तुरंत इसमें कदम उठाने चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। जय हिंद। साथियों, आज सुबह तीन बच्चों जो प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे थे दिल्ली में आकर, दूर दूर से हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ने आते हैं, तैयारी करने आते हैं। आज तीन बच्चों की बेसमेंट में पानी घुसने से मौत हो गई। ये सुनकर, और वो भी देश की राजधानी के बारे में सुनकर, बहुत ही बुरा लगता है, अजीब लगता है, शर्म आती है। ये इस राजधानी में लोग आते हैं अपने सपने पूरे करने, वहां आकर बच्चों की जान चली जाए, वो भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से। बिल्डिंग्स बनाई गई, उनको लाइसेंस दिया है या नहीं दिया, एमसीडी का क्या इसमें रोल है, सरकार का क्या रोल है, ये सब सवाल हम सबके दिमाग में हैं। ये कोई नेचुरल डिजास्टर से मौत नहीं हुई है, ये मौतें मानव निर्मित त्रासदी हैं, दिस इज अ मैन मेड डिजास्टर। ये कौन है इसके पीछे, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, और इस तरह की घटनाएं फिर ना हो। अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। माता पिता दूर दूर से, देश के कोने कोने से लोगों बच्चों को यहां भेजते हैं, दिल्ली में भेजते हैं, ताकि तैयारी करें, प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग लें और जिंदगी को में आगे बढ़ें। उनकी जिंदगी यूं बीच में खत्म हो जाए, वो भी इसलिए कि एक गैर जिम्मेदाराना एमसीडी है, एक गैर जिम्मेदाराना सरकार है, ये अच्छी बात नहीं है, हृदय विदारक है, और सरकार को तुरंत इसमें कदम उठाने चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। जय हिंद।